नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, इसका नाम है संडे चिकन। ये टेस्टी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत मज़ेदार भी है इसे बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन को मीडियम साइजेस में कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं और बहुत बड़े साइजेस भी नहीं है इसके, बिल्कुल मीडियम साइज में मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है और पानी को जो है थोड़ा सा झड़ा लिया है। बहुत ज़्यादा अच्छे से झड़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसको ड्राई कर लिया है, तो बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा पानी भी रहना ज़रूरी है इसमें। और मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 2 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। जितना रेशियो कॉर्नफ्लावर का होगा उतना ही यहाँ पर मैदा का रेशियो भी बिल्कुल बराबर ही होगा। अब हम इसमें कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। कुटा हुआ लहसुन जो है वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इससे, इसलिए हम यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन ऐड कर रहे हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रेवी में भी देने के लिए थोड़ा सा नमक हमको चाहिए होगा, इसीलिए नमक जो है मात्रा इसमें थोड़ा कम रखेंगे। और 1 अंडा और 1/2 टीस्पून हमने टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा मिर्च भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, उससे भी फ्लेवर जो है बहुत बढ़िया सा आएगा। अब हम सारे चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ढक के आप इसे रख लीजिएगा आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो किसी और तेल का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, ऑयल आप किसी का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल से ही खाना बनाऊँगी। तो ये जो है जितने चिकन मैंने मैरिनेट करके रखे हुए हैं वो सारे चिकन में एक साथ ही एक बार में ही फ्राई कर लूँगी। इसे बैचेस में फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे चिकन एक बार में ही मैं देके फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे दूसरे तरफ से भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसे बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई कीजिएगा, नहीं तो चिकन जो है वो ऊपर से फ्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए हम जब फ्राई करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम में देके इसे थोड़ा टाइम देके फ्राई करना हमको होगा। फ्राई करने के बाद जितना ऑयल बचा हुआ है इसी ऑयल में मैं ग्रेवी तैयार करूँगी। इसमें मैंने 1-3 इलायची, 1 दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता और 1/2 टीस्पून में यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया है। करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। जब ये अच्छा सा एक स्मेल आने लगेगा उसके बाद यहाँ पर पेस्ट किया हुआ जो ऑनियन है, मैंने 3 मीडियम साइज के ऑनियन को पीस लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। करके 2 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना होगा, जिससे कि प्याज में जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। इन मसालों को जो है वो थोड़ा टाइम देके हमको भूनना होता है, तो ये मीडियम फ्लेम में रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में मत कीजिएगा, नहीं तो ये प्याज जो है वो जल जाएंगे। मीडियम फ्लेम में ही हम इसको पकाना है। 2 मिनट बाद देखिए प्याज थोड़े से भून चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन, कूटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। उसके बाद और 2 मिनट के लिए हम इसको चला लेंगे। बाद अब हम इसमें कुटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में हमको ये भूनना है मसाले को। तो हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे और थोड़ा सा रेडिश ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल मसाले जो है वो भून चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो रेड चिली पाउडर की जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करके अब हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे।
जैसे ही मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा उसके बाद हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। ऐड करके अब हमको और भी मसाले को अच्छे तरीके से, इस रेसिपी में मसाले को बहुत अच्छे तरीके से हमको भूनना होता है क्योंकि चिकन हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, इसलिए मसाले को हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना होगा। और फिर ये जब ड्राई हो जाए तो और थोड़ा सा पानी हमको ऐड करना है और फिर मसाले को भूनना है। इस तरीके से हमें 3 बार करना होगा, मसाले को भूनना है। जब वो ड्राई हो जाएगा फिर थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, उसके बाद फिर हम मसाले को और भुनेंगे। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए उसके बाद हम इसमें जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके हम इसे अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और मेरी एक और वेबसाइट है जहां पर आप मेरे सारे रेसिपीज के जितने भी इंफॉर्मेशन है वहां पर पढ़ सकते हो। तो अगर आपको मेरी वेबसाइट में भी जाना है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दे दूंगी, आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हो। इसे हमें 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 5 मिनट के लिए हम इसे चलाते रहेंगे मसालों के साथ अच्छे तरीके से। देखिए मसालों के साथ हमने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। 5 मिनट के लिए इसे हमने कोई ढका नहीं था अभी तक, लेकिन अब हम पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा ढक देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, अपने हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमको नहीं चाहिए। पानी देने के बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद उसके बाद हम इसको ढक के पकाना है हमको। अब हम इसको ढक देंगे करीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको ढक देंगे जिससे कि चिकन जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए चिकन जो है बिल्कुल बन के एकदम रेडी है। अब आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ, रोटी, पराठे, किसी चीज के भी साथ खा सकते हो। ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी होती है क्योंकि चिकन को हमने पहले से ही कोटिंग में फ्राई कर लिया है, तो इसका स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। करके अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। आज की ये रेसिपी बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।